ओके इट डज नॉट मैटर. ओके लेट अस स्टार्ट. सो फॉर सम टाइम इट विल क्रिएट सच प्रॉब्लम. ओके थैंक यू. सो इट्स नाइस टू सी यू ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन अ वार्म वेलकम. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू टुडे इट डज नॉट मैटर एट ऑल. यू जस्ट लेट इट गो ऑन यू नो. सो आई जस्ट प्लीज कम इन. आई जस्ट गेट हर अ चेयर प्लीज. Get her a chair, please. So just have a seat over there. अभी एक बड़ी अच्छी कहावत है, the journey of 1,000 miles. The journey of 1,000 miles starts with a single step. हजारों मीलों की जो यात्रा है वो पहले कदम से शुरुआत होती है. तो द पीपल हैव द डाउट्स कि हम अंग्रेजी सीखेंगे कि नहीं, हमारी अंग्रेजी इम्प्रूव होगी कि नहीं. दे हैव सच डाउट्स एंड दे नेवर स्टार्ट. दे आर ऑलवेज गेटिंग रेडी टू यू नो टू स्टार्ट बट दे आर नेवर रेडी. तैयारी कर रहे होते हैं कि नहीं आप कल से चालू करेंगे, परसों से चालू करेंगे, नहीं दिवाली से चालू करेंगे. मेरा बर्थडे आएगा ना, मैं तब से चालू करने वाला. और बर्थडे के दूसरे दिन तो ऐसा बिल्कुल बर्थडे वाला जो दिन रहता है उस दिन तो बोला आज आखिरी दिन, जैसे कल से सच में यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ. पता चला बर्थडे की रात में 1 बजे रात को सोई, दूसरे दिन उठे 7 बजे. ओ माय गॉड, पहला ही दिन ख़राब. 4 बजे रात को उठने का सोचा था, ये क्या हो गया. ठीक है. सिमिलरली जब 31st आता है तो उस रात को भी ऐसा सेलिब्रेट करते, बोले कल से. ठीक है. आर यू अमंग देम? आप उनमें से हैं क्या? एक बड़ी अच्छी और एक कहावत है अंग्रेजी में, है ना. देखो ये इसलिए बताया, वाई डिड आई टेल दिस, क्योंकि जो काम को शुरू करते हैं ना तो फिर वो उनका काम सच में शुरू भी हो जाता है, और जो नहीं करते हैं तो वो उनका वो बस सोचते रहते हैं. ठीक है कि नहीं? तो एक और कहावत है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. इसका मतलब क्या होगा जरा विजय जी बताएं. विजय जी बताइए, व्हाट डज इट मीन? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. लिखाया था नहीं? लिखाया था नहीं? लिखा है. कछुआ और खरगोश का स्टोरी सुना है आप? yes. ठीक है. तो उधर कछुआ और खरगोश की स्टोरी में क्या होता है कि कछुआ जो है वो धीरे चलता है, पर कैसा लगातार चलते जाता है. स्टडी मतलब जो लगातार, ठीक है, मेहनत करते जा रहा है, लगातार मेहनत करते जा रहा है, दैट इज स्टडी. स्लो भले ही धीरे कर रहे हैं पर लगातार कर रहे हैं. ठीक है. तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो जो एक बार चाल शुरू कर देता है, धीरे चलते रहता है, पर चलते रहता तो वो बिल्कुल जो है वो मंजिल पर पहुँच जाता है, वो रेस को जीत लेता है. ठीक है. अंग्रेजी के मामले में एक कहावत बहुत ज़्यादा सूट करती है. ये नवोदय में बच्चों को सिखाई गई थी, बच्चों से मैंने सीखा. वो बड़ा अच्छा कहावत था कि सक्सेस कम्स फ्रॉम नॉलेज. कैसे आता है? सक्सेस कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम स्टडीज एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम स्टडीज. ठीक है. सफलता जो है वो ज्ञान से आती है, और ज्ञान कैसे आता है ना? स्टडी करने से आता है. अब लोग क्या करते हैं, ऑनेस्टली मैं कई लोगों को कसम खिला देता हूँ क्लास में और पूछता हूँ, जो पढ़ाया उसको घर में कितना मिनट पढ़ा? 10 मिनट पढ़ा क्या? एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जवाब होता है सर नो, नहीं पढ़ के आए. इंग्लिश इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू थिंक. उतना डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है जितना आप सोचते हैं. इट इज़ वेरी ईजी. एवरी मूमेंट वी आर यूजिंग इंग्लिश. इंग्लिश इज़ नोन टू अस. वी नीड नॉट ट्राई सो मच. इधर खिड़की को क्या बोलते हैं?
वेरी गुड, ठीक है. अभी ये एवरी डे क्या होता है, इस नाम से वो नेस्ले का पाउडर आता है. तो जिसको नहीं पता कि एवरीडे का मतलब क्या होता है, उसको भी वो यूज़ करता है. अभी कॉफ़ी लेने जाएंगे तो आप यूज़ करते हैं सनराइज़, करते हैं जी सनराइज़ यूज़ करते हैं, नहीं करते सूर्योदय. इधर सूर्य निकला, आप भी शुरू कर लो, ठीक है. अभी मिल्कमेड ये भी खरीदा होगा कभी, जिसके यहाँ दूध नहीं रहता तो वो क्या खरीदते हैं, मतलब. अच्छा देखो, ये मैड का मतलब क्या होता है, नौकरानी, ठीक है. एक ये मैड होता है बना हुआ. आर यू मैड इन इंडिया, आर यू मैड इन इंडिया. मैंने बोला मैड, मेड नहीं. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है. तो यहाँ पर जो है, ये जो मैं मैड बोला था, ये मैड का मतलब है पागल. मैंने पूछा था आर यू मैड इन इंडिया, ऐसे पूछा था. आप बोले यस, ठीक है. मेड थोड़ा ही पूछा था, खैर छोड़ो. अभी ये मिल्क यानी दूध होता है, मैड यानी वैसे तो नौकरानी होता है, पर मिल्क मैड का मतलब हो जाता है दूध वाली. तो ये शब्द कहाँ मिला, मतलब ये हमारे हम प्रोडक्ट्स जो खरीदते हैं वो सब में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है कि नहीं. अभी आप एक तो क्लिनिक तो समझते ही है, आप समझते हैं ना क्लिनिक. आपके बालों में बार बार बीमारी होगी, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए क्लिनिक प्लस लगा लो, यहीं पे क्लिनिक हो जाए, ठीक है कि नहीं. कुछ क्लिनिक ऐसा भी होता है जो आपके सर में पूरा क्लियर रखेगा, ठीक है. आप क्रीम लेने गए, गार्नियर की क्रीम खरीदी, रिंकल यानी क्या होता है, ना जी ना ना, इधर ये ऐसे हो जाता है, ऐसा झुर्रिया, राइट राइट, वेरी गुड. ये झुर्रियाँ जो है ना, वो कैसी हो गई है, ऐसे हो गया मास्क, कैसे हो गया, ऐसे हो गया. अगर इसको उठाना है यानी लिफ्ट करना है, उठाना है यानी लिफ्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, गार्नियर की रिंकल लिफ्ट क्रीम लगानी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं. अच्छा, हमेशा फेयर मतलब क्या होता है, गोरा. अगर आप हमेशा गोरा, हमेशा मतलब एवर, हमेशा गोरा रहना चाहते हैं तो फेयर एवर लगाइए. इंटरेस्टिंग है कि नहीं बताओ. अब ये इसको जानने में कुछ मेहनत है क्या, जिस दुनिया में बहुत सारे बंधन है, स्टे यानी बंधन, बंधन मुक्त रहना है तो स्टे फ्री. आई एम जस्ट, आई नो अबाउट ऑल दी लेडीज आइटम्स फ्रॉम मैनीक्योर टू पेडीक्योर, ठीक है. अब बोले मैनीक्योर क्या और पेडीक्योर क्या, इधर हाथ से इधर जो शुरू होता है ना, यहाँ से लेके उधर पैर तक जो होता है उसको पेडीक्योर बोलते हैं. पेडीक्योर स्क्रब बोला, मतलब इधर क्या, पैर पे घिसने, स्क्रब की भी वेराइटीज है. हम स्क्रब से नहीं नहाते, एक अलग बात है, ठीक है. हम जो चिकने दिखते हैं, मतलब त्वचा हमारी जितनी अच्छी दिखती है, स्क्रब से नहीं नहाते इसलिए, ठीक है. आगे देखो, मजाक कर रहा था. तो बात क्या है, देखो इतना ये इजी लगा कि नहीं लगा. इफ़ आई टॉक अबाउट 10,000 वर्ड्स, अगर मैं 10,000 शब्दों के बारे में बात करता हूँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क टू लर्न, ठीक है. अभी यूज़ का मतलब क्या हो गया बताओ, उपयोग करना. अगर मैं यूजफुल लगा दो, इस यूज़ में लगाया, देखो यूज़ में ही जोड़ते हैं, वी आर नॉट राइटिंग एक्स्ट्रा. अभी यूज़ में ही फुल जोड़ा तो क्या हो गया, यूजफुल मतलब क्या हो गया, उपयोगी हो गया, ठीक है. अभी यूज़ में लेस लगा दिया तो यूजलेस मतलब क्या हो गया, वेरी गुड. अभी यूज़ के पहले मिस लगा दिया तो क्या हो गया, मिस यूज़ यानी क्या हो गया, ठीक है. और यूज़ यानी उपयोग करना भी होता है, और यूज़ का उपयोग ये मतलब भी निकलता है, मतलब दैट इज़ अ नाउन ऑल्सो एंड दैट इज़ अ वर्ब ऑल्सो. अब एक शब्द से ये तीन शब्द आप सीखे कि नहीं, क्या ये आपके लिए कठिन था सीखना, मतलब इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ़ आई टॉक अबाउट 1,000 वन वर्ड
that means 4 words. That is equal to, if I talk about 1000 words, that means I am talking about 4000 words. Getting my point? If I talk about 2000 words, I am talking about 8000 words. Is it not possible for you to learn? And already there are so many words known to you. What is the word for bhatta? What is the word for bhatta? Tell me fast. Brinjal. And what is the word for gobi? Huh? Cauliflower. Hmm? Just get in and bring a stool from inside. How many students are outside? Oh, these two sisters have also come. Go, Anjali, just get some chairs from inside. Chau, didi ko, cut, knock the door and get the chairs from inside. So what I want to say, bitti, chair de dena bhaiya. छोटा सा स्टूल भी उधर वो भी दे देना। देखो बेटा,